मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों देखो, सुबह का टाइम हो रहा है और ये दोनों सो रहे हैं। हलीमा उठ गई है, हलीमा की मम्मा इसको नाश्ता करा रही है। क्या करा रही है इसको? ये तो खुद कर लेगी, बड़ी हो गई अब तो। खुद नहीं करती, ये छोटी है भी। हाँ बेटा, खुद नहीं करती हो आप? खाते ही नहीं खुद, नहीं तो खाना सीख जाए। और दोस्तों बाहर मशीन चल रही है, कपड़े की मशीन लगा रखी है। हाँ सुबह ही लगा ली थी मैंने 6:30 बजे मशीन, सुबह बच्चे उठ साढ़े जाते अब धुल भी गए सारे कपड़े। और मशीन में देखो आवाज़ आ रही है मशीन की, पर मशीन इतनी आवाज़ नहीं करती है। मैं देख कर आता हूँ इतनी आवाज़ क्यों कर रही है मशीन। मैडम ने मशीन के अंदर जूते डाल रखे हैं, इसलिए आवाज़ कर रही है मशीन। कपड़े देखो सुबह धो दिए इस असमन है, ये धुल गए, कुछ वो रखा है। और मशीन आवाज़ इसलिए कर रही है क्योंकि इसके अंदर इसने जूते डाल रखे हैं। हलीमा की सैंडल डाल रखी है, मेरे जूते डाल रखे हैं और अपने भी। मशीन के अंदर जूते भी डाल रखे हैं? जूते तो बाहर ही धुल जाते हैं, बाहर धुल जाते हैं, बच्चे उड़ गए क्योंकि सरफ डाल दिया मैंने थोड़ा फालतू, इसीलिए आवाज कर रही मशीन। जल्दी चमक जाएंगे वो साफ। हाँ और खराब ना हो जाए मशीन, चमक जाएंगे? नहीं मैंने पहले भी धोए थे। अच्छा, नापाक जूते इसमें डाल दिए हैं? वो नापाक नहीं है, धो के डाले पहले। पहले अच्छी तरह से धो दिए, 3 बार करके साफ कर, मतलब यूं नहीं कि बिल्कुल चमका दिए, उसको पानी में खंगाल के सुनने के बाद करिए। हलीमा के सैंडल और तुम्हारी वो ठीक। दोस्तों खाने का टाइम हो रहा है और असमा ने इसमें रख दिया अंडे, क्योंकि आज इसने कपड़े धोए थे तो इसको ठंड लगने का अंदेशा है, बल्कि इसे लग रही है ठंड। कपड़े धोए थे ना आज मशीन में? आज धोए थे, कल धोए थे? आज धोए थे, सुबह ही लगाई थी मशीन। आज ठंड बहुत हो रही है दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैंने दाल जो बनाई है दाल के साथ अंडे खाऊंगी फ्राई करके, वैसे करके मतलब उबाल के, है ना, गरम गरम रोटी। अगर बच्चे अट्टा फ्रीज में रखा था जो कि अभी नहीं बनाया, सुबह का है ना अट्टा ये? हाँ मैं दोनों टाइम का एक टाइम ही गूंथ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों ही एक साथ परेशान करते हैं, रोते हैं। और खाली मैं देखो यहाँ पर खेल ले, ये चढ़ रही है देखो यहाँ पर, बेटा गिर जाएगी अगर ये छोड़ गया तो, नीचे गिरोगी आप। ये गोल गोल पेड़े क्यों बना के रख लिए पहले ही? ये आटा ना फिर बेलती नहीं है, उससे लोई जो होती है ना बनाते हैं, तो इसलिए बना के रख लेते हैं, लोई की ठंडक से बेलती नहीं है। अब मैंने ध्यान ही नहीं करा कि जल्दी निकाल लेती मैं आटा, बच्चों के चक्कर में ना कपड़े धोए थे, बट्टे करने लगी, फिर सफाई करने लगी, तो इसलिए सब्जी बना के रखी, आटा गूंथ के वो करके रखा। कमरे की वीडियो कैसी आ गई हमारी, है ना, गंदी सी आवे ना, ये प्लास्टर उखड़ रहा है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी आ रही मैं। किराए का मकान है दोस्तों, किराए का मकान, दुआ करो हम भी अपना ले लें, क्योंकि महीना ऐसे ही आ जाता है, हर महीने किराया भरना पड़ता है, पता ही नहीं चलता किस टाइम आएगा दोस्तों, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है अभी तो देके निपटे पैसे फिर दोबारा आ गए, और काम की थोड़ी सी कंडीशन ऐसी चल रही है, वो तो हर काम में कंपटीशन चल रहा। अंडे उबल गए हैं देखो, उबल रहे हैं, ये दोनों देखो यहाँ पर सो रहे हैं, एक ये सो रही है और अली अली यहाँ पर सो रहे हैं। हो गया तवा यार, मेरे से नहीं बनती ऐसी गोल गोल रोटी, उस दिन बनाए थे ना टेढ़ी मेढ़ी बनी थी, लेडीज को आता है ना, जेंट्स को तो कमाना आता है, तो इसलिए घटा रही बाहर। हाँ मौसम खराब हो रहा आज, फिर दोस्तों दुआ करो बारिश ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं,
और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि मुझे भाग भाग के करना पड़ता है फिर काम। आज बेटी नीचे आओ, मेरे पे भी आ जाएंगे क्या? ऐसे रोटी बनानी गोल गोल बिल्कुल आ जाएगी जब बनाना ठीक हो गया ना। बनाया करोगे अब शाम दोपहर की, तुम्हें बनाया करो काम पे जाने से पहले। बेटी गिर जाओगे अब। बेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे उतर जा। चॉकलेट खाया हूँ। गंदी बात होती है ना, बदतमीजी बोल रही हो। कौन सा बाबू उठा है? बाबू उठ गया। अच्छा अगर ये वाली रोटी फूल गई ना, 5 रुपए नाम के चॉकलेट 5 वाली। अच्छा हाँ, 5 में 5 में ही खुश जाएगी ना तू। तो कौन सी वाली? डेरी मिल्क की। कौन सी वाली रोटी? ये वाली। देखो दोस्तों, अगर ये फूल गई ना तो अभी चॉकलेट 5 वाली डेरी मिल्क की। ये तो हवा निकल गई, अब नहीं बोल रही क्या करी फलागी बन दूंगी। अरे तो आधी बोली तो दोस्तों आधी चॉकलेट मिलनी चाहिए ना। आधी क्यों? चल ठीक है, तेरे भी ला दूंगा, कोशिश तो करी तुम्हें। आधी बोली आधी नहीं।